सब कुछ जान के भोले बनते, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। वाणी जो भी कहना पाए। धातब, ऐसे सुनसान क्षेत्र में इतना मधुर गीत कौन गा सकता है? हाँ भ्राता, जहाँ श्रोता ना हो, जहाँ गुणीजन ना हो, वहाँ गाने का क्या अर्थ? भ्राता, हो सकता है उसने विष्णु को कहीं देखा है। चलो देखते हैं, आओ चलो ढूंढते इस तरफ। नभ जल थल में तुम हो, तुम ही सब में समाए है, सबको ही खोज तुम्हारी है, सबको ही खोज तुम्हारी, पर कोई खोज न पाए, पर कोई खोज न पाए, पर संकट दर्शन रखते सिर पे हाथ, रखते सिर पे हाथ, सब कुछ जान के भोले बनते, जय हो भोलेनाथ। ए रुको, ठहरो ठहरो, अरे रुको, गो को। रुको, गायन वादन तुमसे ही, तुम नित्य कला के स्वामी, हर एक जन के मन की जानो, हर एक जन के जानो, तुम हो अंतर्यामी, तुम हो अंतर्यामी, तुमसे ही ये चलते पल छिन, तुमसे ही दिन रात, तुमसे ही दिन सब कुछ जान के भोले बनते, जय हो भोलेनाथ। सुंदर, अति सुंदर। माधव, 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 कौन है तुम? कौन हो? मैं तो महादेव शिव का एक साधारण सा भक्त हूं, किंतु आप लोग कौन हैं और यहाँ कहाँ जा रहे हैं? तुम हमें नहीं जानते, अखंड त्रिलोक हमें जानता है। आहा, हम हैं मधु और ये हमारे भ्राता कैटब हैं। अखंड देवलोक हमारे नाम से कांपता है। तो बताएं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें बताओ विष्णु कहाँ है? किस विष्णु की बात कर रहे हैं आप लोग? कहीं आप भगवान विष्णु की बात तो नहीं कर रहे? मत कहो उसे भगवान, वो विष्णु भगवान नहीं है। तो आप किसी और विष्णु की बात कर रहे हैं? नहीं, हम उसी विष्णु की बात कर रहे हैं। क्या तुमने उस विष्णु को यहाँ कहीं छिपे हुए देखा है? बोलो। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? विष्णु तो हर स्थान पर है। आप में है, हम सब में है। तुम ये बातें छोड़ो, हमें यह बताओ कि तुमने उसे यहीं पर कहीं भागते हुए देखा है क्या? अरे भला भगवान विष्णु को भागने या छिपने की क्या आवश्यकता पड़ी? वो हमारे भय से छिपा बैठा है। हाँ, जो कण कण में व्याप्त है, जो सर्वदा जिसके चाहने पर, जब चाहने पर,
आ जाता है। उसे भला भागने या छिपने से क्या अंतर पड़ता है? वो सर्वत्र है। तुम जब चाहो, सच्चे मन से चाहो, वो तुम्हारे पास चले आएंगे। राधा, ये क्या कह रहा है? हाँ? मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसकी तो बत्ती मारी गई है। हाँ भ्राता, हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। चलो शीघ्र चलो, वरना वो विष्णु हमारे हाथ से निकल जाएगा। अरे वो हमसे भाग कर जाएगा कहाँ? चलो 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 चलो। इतना मधुर गीत गाने वाला कोई साधारण गायक नहीं हो सकता। हाँ, कोई विशिष्ट गंधर्व है जिसने कठिन साधना से ये गुण अर्जित किया है। मुझे तो लगता है ये कोई महान महादेव भक्त है। मुझे तो लगता है किसी भक्त ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए ही ये आयोजन किया है। सब कुछ जाने के भोले बनते, जय हो भोले। नंदी, रेंगी, स्वामी आश्चर्य हो रहा है। मैं अपने सूक्ष्म रूप में साधना रत था। स्वामी, आश्चर्य की बात तो है ही, हम सब आपसे मिलने के लिए व्याकुल थे। परंतु पिताश्री, आपने नंदी भृंगी को क्यों स्मरण किया? हाँ प्रभु, हमारे लिए क्या आदेश है? तुम शीघ्र ही निकुंभ और पुष्पदंत को यहाँ उपस्थित करो। जो आज्ञा प्रभु। पिताश्री, हमारे लोक में गंधर्व निकुंभ और पुष्पदंत की क्या आवश्यकता पड़ गई? पुत्र गणेश, सुन रहे हो ये स्वर लहरें? पता नहीं कौन गा रहा है इतना मधुर गीत। ऐसा लगता है जैसे कोई विलक्षण और प्रतिभाशाली गंधर्व हो। हम भी इस मधुर मोहक गीत का आनंद लेना चाहते हैं। हम भी इस गंधर्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं। किंतु स्वामी, इस गंधर्व ने हमारी साधना भंग कर हमें यहां प्रकट होने पर विवश कर दिया। देवी, प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। प्रणाम श्री गणेश। प्रभु, हमारे लिए क्या आदेश है? निकुंभ, पुष्पदंत, तुम सुन रहे हो ये स्वर लहरी? हाँ प्रभु, ये तो कोई विलक्षण और प्रवीण गंधर्व गायक है। हाँ, तुम इस गंधर्व को मेरे पास लेकर आओ। मैं तुम दोनों को ये कार्य इसलिए सौंप रहा हूँ कि गंधर्व होने के कारण तुम्हारे लिए ये कार्य अत्यंत ही सहज होगा। जी प्रभु, हम शीघ्र ही उस गंधर्व को आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। जय महादेव। स्वामी, मैं ये नहीं। मैं आपका संकट समझ रहा हूं देवी, और मैं उसका निराकरण भी जानता हूं। मैं अपने सूक्ष्म रूप में होते हुए भी संकट के निराकरण में लगा हुआ था। परंतु पिताश्री, पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी चिंता से अवगत हूं। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे लिए ही हो रहा है। तुमसे ही तुम नित्य कला के
स्वामी हर एक जन के मन की जान सत्य का ज्ञान तुम ही हो सत्य असत्य का ज्ञान तुम ही हो ज्ञानेश्वर भी तुम गंधर्वदेव रुकिए गंधर्वदेव रुकिए गंधर्वदेव रुकिए गंधर्वदेव ये दोनों तो स्वयं शिवलोक के गंधर्व हैं अंततः हमारी योजना सफल हुई देवाधिदेव प्रणाम गंधर्वदेव प्रणाम आप तो विलक्षण हैं अद्भुत गायक हैं आपका गीत अति मधुर है आप किस कुल के गंधर्व हैं मैं तो श्री हरि कुल का गंधर्व हूँ क्या कहा श्री हरि कुल आपका कुल भी विलक्षण है हम शिवलोक के गंधर्व हैं प्रभु आपका गायन इतना मधुर है कि स्वयं महादेव शिव ने आपका स्मरण किया है अहो भाग्य हमारा जीवन तो धन्य हुआ हम तो उन्हें ही प्रसन्न करने के लिए गा रहे हैं आइए गंधर्व देव आइए भ्राता लगता है वो विष्णु हमारे भय से युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग निकला है भ्राता वो भाग कहां सकता है हम उसके काल है काल और काल से कभी कोई बच पाया है नारायण नारायण ओ तो देव ऋषि नारद आप आए समझौता करा दे हम जानते हैं कि आपको उस विष्णु ने भेजा है कहां है वो हा? असुरराज ना तो कोई किसी को भेजता है और ना ही कोई किसी के पास जाता है जहां तक बात है किसी के मिलने की तो जिसको जिससे मिलना होता है वो उससे किसी भी रूप में मिल ही लेता है आप कहना क्या चाहते हैं हम तो विष्णु के साथ युद्ध कर रहे थे फिर अचानक वो यहां से भाग का गया नारायण नारायण असुरराज ये आप क्या कह रहे हैं अभी अभी तो आप श्री हरि से मिले थे क्या जिस गंधर्व से आप दोनों ने श्री हरि का पता पूछा था पता है कौन थे वो नारायण नारायण असुरराज आप दोनों उनको नहीं पहचान सके किंतु मैंने पहचान लिया ये क्या कह रहे हैं आप मैं सत्य कह रहा हूं असुरराज और मैंने अभी अभी उन्हें कैलाश की ओर जाते देखा है नारायण नारायण यदि ये बात है भ्राता तो विष्णु हमारे हाथ से नहीं बच सकता चलो उस तरफ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ठहरो भ्राता भ्राता आगे कैलाश क्षेत्र है उस तरफ जाना उचित नहीं क्यों क्योंकि भ्राता इस समय महादेव के क्रोध का कारण बनना उचित नहीं हमें यहीं पर उस छले विष्णु की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो गंधर्व के रूप में हमसे भागता हो फिर रहा है किसे ढूंढ रहे हो तुम लोग तुम दोनों श्रीहरि पे इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो पर तुम दोनों हो कौन और तुम दोनों ने हमसे बात करने का दुस्साहस कैसे किया हा? अरे मूर्ख इस साधना क्षेत्र में साधना करने वाले के सिवा कौन होगा तुमने मुझे मूर्ख कहा तुम मुझे जानते नहीं हो तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे हरि को भी मृत्यु दे सकता हूँ मृत्यु चाहे हम दोनों के प्राण ही क्यों ना चले जाएं पर हम तुम्हें श्री हरि पर कोई घात नहीं करने देंगे भ्राता
हम शिव भक्त बनकर ही महादेव के क्षेत्र में जा सकते हैं। वो कैसे? इस संसार में इन दोनों भक्तों की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गया भ्राता। देवी, हमने उस अद्भुत गंधर्व गायक को बुलवाया है, उससे मिले बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। पिताश्री, ऐसा कौन सा विलक्षण गायक है जिसने आपकी साधना भी भंग की और आपको समक्ष प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया? उस गायक के विषय में सोचकर हम भी कुछ विशेष अनुभव कर रहे हैं पुत्र। हाँ स्वामी, मैं भी उस गायक के विषय में पहली बार सुन रही हूँ जिसकी आप इतनी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हो सकता है इस कार्य में भी कोई विशेष कारण छिपा हो और हम पुनः पुत्र गणेश को प्रसन्न करने का आयोजन भी कर रहे हैं। किंतु पिताश्री, मेरी प्रसन्नता और अप्रसन्नता तो श्रीहरि विष्णु से है, उस गायक से हमारी प्रसन्नता अप्रसन्नता का क्या संबंध है? पुत्र गणेश, हमें तो कोई ना कोई संबंध दिख रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो उस मधुर रागनी से हमारा ध्यान कदापि भंग नहीं होता। स्वामी, हमारा पुत्र गणेश आपसे विचार विमर्श करना चाहता है, उसकी मन की शंका केवल आप ही दूर कर सकते हैं। जानता हूँ देवी पार्वती, किंतु पहले निकुंभ और पुष्पदंत की प्रतीक्षा तो कर लूं। एक साथ कई समस्याओं का समाधान होने वाला है। तुम तन न न न न 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 तुम तन न न न न